पूरे एक्सप्रेस 40। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी कुहू तो स्कूल जाने वाली है, हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं। तो अभी तो हम लोग का रूटीन ही वही हो गया कि हम लोग सुबह 7 बजे की 7:45 बजे उठ जाते हैं। अभी मैं जा रही हूँ किचन में हमारा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो इतने दिन तक जब बैंगलोर में नहीं थे, तो बैंगलोर में आके इतना डोसा डोसा खाना हो जाता है कि तब लगता है कि बाप रे उब गए हैं बिल्कुल डोसा खा के। लेकिन अभी इतने दिनों से घर पे थे ना, तो डोसा बहुत दिन से नहीं खाना हो पाया था। तो इसीलिए मैं अभी आज घर पर डोसा ही बनाऊँगी, बहुत डोसा की क्रेविंग्स हो रही है। तो मैंने चटनी पहले से बना के रखी है और आलू मसाला भी बनाने का टाइम है नहीं, क्योंकि मुझे फिर स्क्रम कॉल भी ज्वाइन करना है। इसके लिए फटाफट मैं अभी क्या करूँगी, वो जो प्लेन डोसा है वो बना लूँगी और बैटर भी रेडीमेड ही है तो फटाफट बन जाएगा। तो चलिए अभी पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। कुहू भी स्कूल से वापस आ गई है, तो आज वो ऑफिस नहीं गए हैं, तो इसलिए वो उसको रेडी कर रहे हैं। नहाना वहाना धोना हो जाएगा, उसके बाद उसका लंच भी होगा। तो छुट्टी के दिन में मैं उनकी ड्यूटी लगा देती हूँ कि दिन में एटलीस्ट वो कुहू को देख लें, तो मुझे थोड़ा फ्री टाइम भी मिल जाता है। और अभी इनिशियली ऑफिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो थोड़ा व्लॉग भी मेरा जो रेगुलर मेरा टाइम है तो वो भी स्किप हो रहा है। तो चलिए दिस टाइम शैल पास ऑन, तो इसके बाद फिर से मैं रेगुलर आ जाऊंगी ब्लॉग्स में। तो आप लोग देखते रहिए, ब्लॉग को अच्छा लगे देख लें जरूर। गॉड मदर दुष्टु, गॉड मदर आपकी दुष्टु बोलते हैं, दुष्टु है। लड्डू नहीं, ये लड्डू मैं खाना ओटा ही अम्मी आगे खाओ, खेद है ओटा देख ली की ओटा ना देखी बोले दिली जो ओटा खाबो ना तुम्हें तो खाओ। দেখো तो बहुत दिन से इलिश माछ रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैं सोच रही थी कि मतलब हमने इसका दूसरा रेसिपी ट्राई किया, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इसका इलिश भापा। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम्ड हिल्सा। तो हिल्सा फिश को नमक हल्दी के साथ मैरिनेट करना है, उसके बाद वो मस्टर्ड पॉपी सीड्स और थोड़ा सा कैश्यू नट्स वगैरह डाल के जो पेस्ट बनाते हैं वो पेस्ट को एक डब्बे में ऐसे डाल देंगे। और ऊपर से फिर हम लोग डालते हैं थोड़ा सा मस्टर्ड और ग्रीन चिली। सॉल्ट तो आपने पहले ही मैरिनेशन के टाइम पे दिया हुआ है, चाहे तो थोड़ा ऊपर से भी और डाल सकते हैं। बस इसको उसके बाद स्टीम होने देना होता है और इसके बाद इतना यम्मी लगता है ये खाने में, मैं क्या बताऊँ आपको। Thank you.
से ऑर्डर किया था, मैंगो आया है इतना बड़ा। एक मैंगो का साइज देखिए कितना बड़ा है। इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, बंगन पल्ली मैंगो। कट करके देखते हैं। कू मैंगो खाना है? हाँ। और आपने ये टॉयज का क्या करके रखा हुआ है कू? कौन समेटेगा? टॉयज सारे बिखरे हुए हैं, कौन ठीक करेगा टॉयज? आप ठीक करोगे ना? अरेंज करो। अभी मैं कुहू को थोड़ा टॉयज अरेंज करना भी सिखा रही हूँ, ताकि वो खेले और अरेंज भी करे, लाइक अ गुड गर्ल ना कुहू? यस मॉम। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? यू आर कलरिंग दिस? ओले बाबा। चलो मैंगो कट करते हैं, देखते कैसा ये मैंगो। आ जाओ। चलो मैंगोस मैंगोस, लेट्स गो। चलो 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 चलो। कमी है? एनी करो, बिट नाइस करो, बिट नाइस। धर 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 धर, गो कैच हिम। देखी कतक्षण पारे कुहु। यू गुड जॉब। तो कुहू को पार्क से घुमा के हम लोग वापस आ गए हैं, और रात को भी डिनर में भी थोड़ा सा अच्छा खाने का मन था, तो इसीलिए हम लोग बनाए हैं चिकन कौशा और उसके साथ बन रही गरम गरम पूरियाँ। तो ऐसे जो बंगालीज़ में ये भी बहुत फेमस होता है हम लोग में, हम लोग या तो मटन के साथ या फिर चिकन के साथ हम लोग पूरी बहुत पसंद करते हैं। तो आज बहुत मन था ऐसे ही कुछ स्पाइसी और थोड़ा सा तला भुना खाने का, वैसे वीक में एक दिन तो ये सब चलता ही है। तो हम लोग अभी डिनर एंजॉय करते हैं, तो चलिए व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। बाय।